दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप Mozilla Firefox वेब ब्राउजर के स्टार्ट पेज में दो या दो से ज्यादा वेबसाइट को स्टोर करके रख सकते हो। तो दोस्तों प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखें, अगर आप ये वीडियो आधा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं सारी स्टेप्स को अपने लैपटॉप पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मायसेल्फ गोविंद, स्वागत है आप सबका टेक बुकलेट यूट्यूब चैनल पे। लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, Mozilla Firefox को ओपन कर लेना है। मैं इसे ओपन कर लेता हूं। दोस्तों ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, होम पेज एंड न्यू विंडोज, उसके बगल में लिखा हुआ है Firefox होम डिफॉल्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है जहां लिखा हुआ है कस्टम URL। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें जितने भी वेबसाइट को एक साथ खोलना है अलग अलग टैब में, जब भी हम लोग Mozilla Firefox ओपन करें हमें उन वेबसाइट्स का नाम यहां पे एंटर करना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, इससे पहले मैंने तीन अलग अलग वीडियो में ये बताया है कि कैसे आप गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर में तीन अलग अलग वेबसाइट को ओपन कर सकते हो उसके स्टार्ट पेज में। वहां क्या होता था दोस्तों, हमें वेबसाइट का नाम एंटर करने के लिए तीन अलग अलग टैब मिलते थे, मतलब तीन क्या आप उसमें जितने चाहो उतने टैब जनरेट कर सकते हो टाइप करने के लिए, बट हमें यहाँ सिंगल टैब मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी करेंटली ब्लिंक कर रहा है, हमें सारे वेबसाइट का नाम यहीं पे एंटर करना है। तो दोस्तों क्या होगा कि अगर हम लोग तीन वेबसाइट का नाम एक साथ एंटर करेंगे तो सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें कौन सा वेबसाइट खोलना है या नहीं खोलना है। तो सर्वर को ये बताने के लिए कि हमें तीन अलग अलग वेबसाइट में खोलना है, हमें दो वेबसाइट के बीच में एक गैप दिखाना है। उस गैप को दिखाने के लिए हमें शिफ्ट को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में और स्लैश वाले बटन को प्रेस करना है। उससे होगा क्या, जो सिंबल वहां पे होगा वो दो वेबसाइट को सेपरेट करेगा। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों ये कैसे करना है। सबसे पहले मैं अपने पहले URL को यहां टाइप करता हूं। दोस्तों मैंने URL टाइप कर दिया है facebook.com। अब क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है कीबोर्ड पे और स्लैश वाले बटन को दबाना है। आपने देखा दोस्तों एक सिंबल यहाँ पे लिखा गया है, प्रेस हो गया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, दूसरे वेबसाइट का नाम यहाँ पे डालना है। मैंने amazon.in डाल दिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और स्लैश वाले बटन को प्रेस करना है, ये सिंबल यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरे वेबसाइट का यहाँ नाम एंटर करना है। दोस्तों आपने देखा मैंने तीन वेबसाइट का नाम यहाँ पे एंटर कर दिया। दोस्तों हम ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम लोग किसी वेबसाइट्स को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो जब भी हम Mozilla Firefox को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि Mozilla Firefox का होम पेज डिस्प्ले होगा। हम चाहते हैं होम पेज नहीं डिस्प्ले होके, स्टार्ट पेज नहीं डिस्प्ले होके, ये तीन वेबसाइट वहां डिस्प्ले हो। तो इससे क्या होगा कि जिस वेबसाइट को हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हमें उनका URL प्रेस नहीं करना पड़ेगा बार बार, इससे फायदा यही होता है। दोस्तों इसी तरीके से आप वेरियस वेबसाइट्स को यहाँ ऐड कर सकते हैं, बशर्ते आप जब भी Mozilla Firefox में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपको दो वेबसाइट को सेपरेट करने के लिए शिफ्ट दबाकर स्लैश वाले बटन को प्रेस करना है, उसके बाद ये सिंबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसे बंद करता हूँ। बंद करने के बाद मैं जब आप देखोगे जब मैं इसे फिर से ओपन करूंगा तो तीन अलग अलग टैब में तीन अलग अलग वेबसाइट ओपन होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अब तीन अलग अलग टैब में तीन अलग अलग वेबसाइट ओपन हुए हैं। पहले वाले टैब में फेसबुक ओपन हुआ है, दूसरे वाले टैब में अमेजन ओपन हुआ है, तीसरे वाले टैब में गूगल ओपन हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जहां मैंने आपको बताया कि कैसे आप Mozilla Firefox के स्टार्ट पेज में दो या दो से ज्यादा वेबसाइट को स्टोर करके रख सकते हो, ताकि आप जिस भी वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली यूज करते हो उनका URL आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़े। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए। थैंक यू।